जय जय हे गुरुदेव दयामय, जय जय हे गुरुदेव, जय जय हे गुरुदेव दयामय, जय जय हे गुरुदेव। करुणागार दया के सागर, करुणागार दया के सागर, नर हरि हे नर देव दयामय, जय जय हे गुरुदेव, जय जय हे गुरुदेव दयामय, जय जय हे गुरुदेव। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया, धियो यो नः प्रचोदया, धियो यो नः प्रचोदया। डैड, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। हवन हो गया है, तिलक लगा के जाओ। डैड, मैं तिलक नहीं लगाऊंगी। तिवारी जी हैं? आओ 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 आओ, खुश रहो। हाँ, यशस्वी भव। हेलो, हाउ आर यू? यशस्वी भव बेटा, यशस्वी भव। मैं तो धन्यवाद कहने आया था। कल मेरे जन्म दिवस पर बच्ची ने उपहार में जो फूल का पौधा और जो पुस्तक दिया, बहुत सुंदर ग्रंथ है। ऐसे ही भेंट सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर। साल में एक ही बार तो आते हैं आप। बच्चे भी आपस में घुल मिल गए हैं। वैसे भी आपकी छुट्टी तो एक महीने की है, मगर आप एक हफ्ते में ही जा रहे हो। क्योंकि एक सप्ताह भी हम पर बहुत भारी पड़ रहा है। इस घर को तूने तो मंदिर बना रखा है, मंदिर। घर तो मंदिर होता है भैया। दुनिया चंद्रमा और मंगल पर जा रही है और तुम यहाँ बैठकर स्वाहा स्वाहा कर रहे हो। मगर भैया, ये तो हमारे हजारों साल पुरानी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। ओ, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा संस्कार। कभी अपने बच्चों को खिलौना तक लाकर नहीं दिया, अच्छी एजुकेशन वो भी नहीं दी, मगर हजारों रुपयों का घी आग में जलाते रहे, स्वाहा स्वाहा। भैया, बच्चों को खिलौना नहीं देंगे तो दो घंटे के लिए रोएगा, मगर संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी भर रोएगा। भैया, मुंबई में एक फ्लैट मिल रहा है, महंगा है, तो मैं चाहता हूं कि ये घर यानी मेरा हिस्सा बेचकर मुंबई में वही फ्लैट ले लूं। ये फैसला मेरा नहीं है, मेरे बच्चों का फैसला है। भैया भैया, पिताजी का ये घर एक मंदिर है। बंटवारा नहीं होना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। भैया, आपको मुंबई में फ्लैट लेने के लिए कितने पैसे कम पड़ रहे हैं हमको बताइए ना, हम इंतजाम करेंगे। मगर ये घर मत बेचिए भैया, ये घर मत बेचिए। अन्नपूर्णा सुनो, भैया को मुंबई में फ्लैट खरीदने का सब इंतजाम कर दिया है। हाँ। अच्छा हुआ आपने इस घर को
बंटवारा होने से और बिकने से बचा लिया। हाँ। दादाजी दादाजी ये कौन है? आओ, ये महाकाल है, हमारे पूज्य गुरुदेव। इन्हीं की प्रेरणा से हम नित्य गायत्री का हवन और अनेक सामाजिक कार्य करते हैं। गायत्री माता की, वेद माता गायत्री की, विश्व माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माताज की, प्रज्ञा अवतार की, युग अवतार बाबूजी की। हाँ, हम लोग गायत्री मंदिर जा रहे हैं। अच्छा। माँ जी, 2 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। देखो, तुम दोनों दादी माँ को तंग मत करना। माँ जी, मंदिर में आज कुछ बच्चों को बुलाए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा के बारे में पढ़ान। माँ, मैं भी चलूँ, मैं गणित पढ़ाऊंगा। मैं भी पढ़ाऊंगी। नहीं, तुम्हारा होमवर्क है ना, होमवर्क करो। ठीक है, चलो चलते हैं बाबूजी। हाँ। देखो दोस्तों, ये जो युवा क्रांति वर्ष चल रहा है ना, इसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। मैं समझाता हूँ। तुम लोग अपना चेहरा रोज आईने में देखते हो, चेहरा तो दिख जाता है, लेकिन अपने अंदर की जो क्षमता है, जो क्रिएटिविटी है और जो टैलेंट है, वो आप देख नहीं पाते हो। तुम एक कलाकार हो, एक चित्रकार हो, तुम एक फिलोसोफर हो, एक कवि हो, एक अच्छा वक्ता हो। इस युवा वर्ष में अपनी अपनी क्षमता को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करो। मैं कहता हूं, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे टैलेंट को गुरुदेव जगत की ऊंचाई पर बैठा देंगे। ठीक कह रहे हैं भैया, हमारी अपनी कला उसी तरह हमारे अंदर दब कर रह जाएगी। चलो, हम इस युवा क्रांति अवसर में स्वयं को विश्व गठन पर प्रस्तुत करें। हमने घर घर जाकर युवा क्रांति वर्ष का संदेश तो पहुँचा दिया, अब क्या करें? अब हमारी समस्या की ओर नजर उठाओ, फिर देखो हम युवक इस समाज को कैसे सुधार देते हैं। हमारे गांव के रानी तालाब के सफाई से अपने अभियान की शुरुआत करें। ठीक है, कल से हम शुरुआत करते हैं। कल क्यों, आज और अभी। भैया, राजा बगीचा के बारे में आप तो कुछ करो, आए दिन पेड़ कट रहे हैं, कोई भी देखभाल नहीं कर रहा है। राजा बगीचा की सफाई और वृक्ष कटने से रोकना, ये हम सबका काम है। हम पौधे भी लगाएंगे, लेकिन पहले रानी तालाब की सफाई करें। ठीक है, चलो। भैया आप, भाऊजी आपने पहले बता दिया होता, हम सब जाकर आपको स्टेशन से ले आते। दादाजी को चाय मैं दूंगा। नहीं, मैं दूंगी। कब पहले मैंने उठाया था ना, मैं दूंगा। अरे दादाजी, आप बताएं, आप किसकी चाय लेंगे, इसकी या मेरी? दोनों से। अच्छा ताऊजी, आप घर में खबर दिए कि नहीं, पहुंच गए यहाँ पे? वहां से कोई फोन नहीं आया अब तक, कौन लेगा मेरी खबर, कहां से आएगा मेरा फोन? जानते हो अब हम कहां रहते हैं, मैं कौन हूं? मैं बुढ़ा हो चुका हूं और मैं वृद्धाश्रम में रहता हूं। ताऊजी आप ऐसा मत बोलिए, बुरा लगता है। देखिए, ये घर आप ही का है, हम सब आप ही के घर में रहते हैं, हम सबसे आप बड़े हैं। ताऊजी एक बात पूछूं? पूछो। आपने ओल्ड एज होम की बात क्यों की,
क्या बात है? बेटे ने बिना बताए शादी कर ली। जब मुझे नहीं बताया तो तुम लोगों को क्या बताता? बहू घर लाने से घर स्वर्ग बन जाता है, और मेरा घर तो नाइट क्लब बन गया। रात में शराब, मांस मच्छी, पार्टी चलती रहती है। एक बार बेटा एक हफ्ते के लिए बाहर गया, बहू रोज रात को शराब पीकर घर आती थी। एक दिन, अरे दरवाजा बोल, काम मर गया। कौन है? इतना देर लगता है? इतना देर लगता है? बुड्ढे हट, बुड्ढा कहीं का। मगर ताऊ जी, दीपक भैया के होते हुए भाभी जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? दीपक भैया ने कुछ नहीं कहा? बेटा कुछ रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, कुछ मजबूरियां रिश्ते बदल देती हैं। तुम नहीं समझोगे बेटा, मौसम बदल गया, रिश्तों का मौसम बदल गया है। मेरा बेटा भी रिश्तों के जंगल में खो गया है। बहू के हंगामे के बाद जब बेटा बाहर से लौटा तो डैड, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आप बदल नहीं सकते, हम भी आपके नियम से चल नहीं सकते। आपने हमें मॉडर्न बनाया, अब आप पुराने जमाने की बात करते हैं। जनरेशन गैप डैड, जनरेशन गैप। बेटा तू कैसी बात कर रहा है? क्या गलती मेरी थी? आपके लिए एक ओल्ड एज होम में बात कर लिया हूं। ओल्ड एज होम? हाँ, आपको पेंशन मिल रहा है, प्रॉब्लम क्या है? बीच बीच में मैं आता रहूंगा आपसे मिलने। वाह बेटा वाह, जवान बेटा बुढ़े बाप को मंदिर ले जाता है, तीर्थ भेजता है, संगम भेजता है। और मेरा बेटा ऐसा श्रवण कुमार है जो मुझे वृद्धाश्रम भेज रहा है। वाह बेटा वाह। चलो, मैंने सोचा वृद्धाश्रम में रहने से अच्छा अपने घर आ जाऊं, तो यहां चला आया। ताऊ जी आपने बहुत अच्छा किया, ये घर आप ही का है, आप इस घर के मालिक हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। संतनु संतनु, तुझे पता यहाँ क्या हो रहा है? कोई अन्ना सेठ मुंबई से आया है, भैरव सिंह के कनेक्शन में कुछ तो गड़बड़ है। मुंबई से आया है अन्ना सेठ? रास्कल, जोड़ने का नहीं, पकड़ने का। क्या पकड़ने का? राजा बगीचा। राजा बगीचा? ये छोटी मोटी चीज के लिए तुम भैरव सिंह को याद करते हो? समझ लो राजा बगीचा तुम्हारा हो गया। ऐसे कैसे हो गया रे? सिंह जी को इधर बुलाना, कोर्ट में रजिस्ट्री होना, तुरंत होना, अगला महीना से काम में हाथ लगाने का। कैसा काम सरकार? फैक्ट्री। कैसा फैक्ट्री? किस चीज का फैक्ट्री? इधर शुगर कैन बोले तो ईख, मतलब गन्ना। गन्ना? हाँ, इधर गन्ना का खेती बहुत ज्यादा बोल के मैं सुना। चीनी की फैक्ट्री लगाओगे? अरे वाह रास्कल,
चेने की फैक्ट्री नको। शराब की फैक्ट्री, और इसका सारा काम तेरे को इस देखने का। जरूर अन्ना, जरूर जरूर। सुन लो सब लोग, ये जो राजा बगीचा देख रहे हो, ये बगीचा मुंबई के किसी सेठ के साथ सौदा हो गया है, और इस बगीचे के सारे पेड़ काट दिए जाएंगे, फिर इस जगह में एक फैक्ट्री लगेगा। अच्छा है, गांव के पास फैक्ट्री लगेगा तो फिर गांव के युवाओं को काम मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगी। लेकिन इस फैक्ट्री में क्या बनेगा पता है? क्या बनेगा? शराब, वाइन, अल्कोहल, जिसे पीकर हमारे देश के नौजवान मदहोशी के गुमनाम अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। अरे बैठो बैठो, ये क्या कर रही है? पैर में तेल लगाने से दिमाग तेज होता है, सर में तेल लगाने से नींद गहरी आती है। आप रो रहे हैं? खुशियों को समझने के लिए कभी कभी आंसुओं को बहाना जरूरी होता है बेटा। जंगल हो या बस्ती, गंदगी सब तरफ है। गरीब बच्चों की अशिक्षा की समस्या है और स्वास्थ्य रक्षा की समस्या है। समस्या पता है ना, और उसका कारण भी मालूम है। हम सब इसका समाधान जानते हैं। हम सब युवा सप्ताह में एक एक दिन का भी श्रमदान करेंगे तो ये जगह स्वर्ग बन जाएगी। और हाँ, नए पौधे लगाओ, पुराने पौधों को मरने मत दो, काटने मत दो। सबका समाधान क्या पौधे लगाने से हो जाएगा? मतलब समझा नहीं। ये जो जादू टोने का खेल पंडित खेल रहा है, और उसी के आड़ में रोज पेड़ कटवा रहा है और भैरव सिंह को बेच रहे हैं। कौन? झाड़ू झा और पेट्टू पांडे। ओम क्रिम क्रिम ओम चामुंडा, ओम क्रिम क्रिम चामुंडा स्वाहा, ओम क्रिम क्रिम चामुंडा स्वाहा। बोल बोल, तू कौन है? मैं प्रचंड पिशाच 50 हूँ। कौन होता है? इस पेड़ पर, जब तक इस पेड़ पर हूँ सारे गांव को खा जाऊंगा। उससे पहले ये पेड़ को ही काट डालूंगा। ओम गुरुम पाट, ओम गुरुम पाट। यदि पेड़ को काट दूंगा तो भैरव सिंह हमको 5-6 हजार रुपया दे देगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, शराब मत पियो, भगवान के लिए मत पियो। पियूंगा, रोज पियूंगा, खूब पियूंगा। अरे तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ कि तू मना करने से मैं नहीं पियूंगा। बलती यारे, बलती यारे। मैं बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी, जब तक पियोगी मैं बोलूंगी मत पियो मत पियो मत पियो। लो पियो, इससे ज्यादा नशा तुम्हारी शराब में नहीं होगा। ये मेरा खून है, तुम्हारा शराब नहीं। पीना नहीं चाहता, मगर आदत बुरी है। रोज सोचता हूँ नहीं पीऊंगा, रोज पी के चला आता हूँ।
मालिक, क्या हुआ? गांव के लोग पेड़ काटने नहीं दे रहे हैं। कटेंगे, जरूर कटेंगे। हमारा नाम भैरव सिंह है। शांतनु तिवारी गांव के लोगों को भाषण देके भड़का दे रहा है। भैरव सिंह वो भेड़िया जो भड़के हुए भड़बूझों को चूसना भी जानता है और चबाना भी। 10 किलो लकड़ी दे दो, हवन वाली। किसका है? शांतनु भैया ने मंगवाया है। शांतनु को कह देना लकड़ी नहीं है। अरे पेड़ नहीं कटेंगे तो हवन के लिए लकड़ियां कहां से आएंगे? है? जा। ये शांतनु का कुछ करना होगा। मेरा पेट में लात मारता है, पेड़ नहीं काटने देता है। तुम लोगों से देखा नहीं जाता क्या? मैं अपनी चीज को अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता। तुम लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी। हद हो गई। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अनमोल हीरे को आप कांच के भाव में मत बेचिए। ये लोग आपसे दाम लगाने में धोखा किए हैं, यही तो बताने आया हूं। आप 2 करोड़ में बेच रहे हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन इस जमीन के असली दाम क्या है पता है आपको? आप क्या बता रहे थे? आपके जमीन पे 2000 पेड़ है कि नहीं? तो एक पेड़ का कम से कम तो 10,000 दाम होगा। हाँ, इस हिसाब से 2000 पेड़ के हो गए 2 करोड़। तो आपको वो पेड़ के दाम दे रहा है, लेकिन जमीन का दाम कहाँ गया? अरे बेटा, तुमने तो मुझे लूटने से बचा लिया। ये अन्ना और भैरव सिंह, नहीं, नहीं बेचूंगा, कभी नहीं बेचूंगा। छोड़ो, छोड़ो मेरे को, चल, मैं झगड़ा नहीं चाहता। छोड़ो, बोलो ना। अरे छोड़ो, बैठ, चुपचाप बैठ, निकाल इसको। राजा, देखो मुझे, देखो। आत्महत्या से समस्या का हल नहीं होता। मेरा पेपर ठीक से नहीं देखा गया, सही नंबर नहीं दिया गया, मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैं ये सिस्टम के साथ नहीं लड़ सकता। ये देखो, तुम्हें स्कूल के सिस्टम ने नहीं, ये मोबाइल ने मारा है। कब से ये मोबाइल तुम्हारे पास है? कब से? लास्ट ईयर लिया था। पहले 60% मार्क्स लाते थे, फिर मोबाइल लेते 40 आया, और इस बार फेल। एक चीज बता मुझे, ये मोबाइल में कभी तुमने गूगल में सर्च किया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कभी सर्च किया? नहीं, मुझे पता है, एक बार भी सर्च नहीं किया। लेकिन फेसबुक में 6 घंटा, व्हाट्सएप में 4 घंटा। सिस्टम ने फेल किया। चलो, अरे सिंह जी, नमस्ते। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छा हूं। और आप कैसे हैं? बस ठीक। सुना है रामेश्वर बाबू के बेटे से आपकी बेटी की शादी तय हुई है। हाँ। कब का मुहूर्त निकला है? नहीं तिवारी जी, दहेज बहुत मांग रहे हैं, कहां से लाऊंगा। दहेज मांग रहा है क्या हरवंश? शादी पक्की कर ली और हमें खबर ही नहीं। वैसे बढ़िया हुआ। चाचा जी, सिंह जी की जो लड़की है ना, बड़ी सुशील है, लक्ष्मी है लक्ष्मी। अरे काहे की लक्ष्मी, दरिद्र है दरिद्र, उस भिखारी से कौन रिश्ता करेगा जिसमें शादी का खर्च उठाने की भी ताकत नहीं है। भिखमंगा कहीं का। भिखमंगे वो है या आप? ये घर बनाया, पैसा था, बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, पैसा था, गाड़ी खरीदी पैसा था, उसका बर्थडे मनाया पैसा था, होली मनाया, दिवाली मनाया, सबके लिए पैसा था। लेकिन जब बेटे की शादी का समय आया तब पैसा नहीं है, जेब खाली हो गई। बेटी के बाप के सामने
हाथ फैला रहे हैं आप, तो भिखारी कौन है, वो है या आप? और देवर जी, शादी के बाद हमें कौन चाय बना के पिलाएगा, तुम या देवरानी? मतलब? दहेज लेकर वो आएगी तो चाय वो नहीं बनाएगी, तुम बना के उसको पिलाओगे। क्या किया तुम? हम लोग हर गांव में युवकों को समझा रहे हैं दहेज के खिलाफ, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सफाई, वृक्षारोपण, वही सब पर काम चल रहा है। बहुत अच्छा, मेरी पत्नी शांति भी गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रही है। गांव बदलने लगा है, लोग बदलने लगे हैं। बहुत बढ़िया, हम बदलेंगे, युग बदलेगा और हम सुधरेंगे, आप सुधरेगा। अरे श्याम जी, रामेश्वर बाबू तो बड़े अच्छे आदमी है, आज खुद हमारे घर आए और कहने लगे कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं आप लोगों ने उन पर क्या जादू कर दिया। सिंह जी, ये तो शांतनु और बहु रानी का कमाल है। लेकिन श्याम जी, उन्होंने दहेज के लिए मना कर दिया, ठीक है, मगर मेरा तो कुछ फर्ज बनता है ना, खाली हाथ बेटी को घर से कैसे विदा करूं? आप कुछ सलाह दीजिए। भाई देखिए, हमने तो अपनी बेटी छुटकी की शादी में सभी बरातियों को वृक्षारोपण के लिए दो दो पौधे भेंट में दिए थे, आप भी वही कीजिए। और हाँ, साथ में कुछ अच्छी पुस्तकें भी दीजिए, क्यों, क्या कहते हो? ओ, जैसा आप कहें। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय स्वाहा, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय स्वाहा, ओम गड़ी 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 फट। बोल बोल, तू कहाँ है? पेड़ में, पेड़ में। ये बच्चा ठीक नहीं होगा, इसमें जिन सवार है। आप ही रक्षा कीजिए। करेंगे, अवश्य करेंगे। पीछे जो तुम्हारा पेड़ है उस पर जिन रहता है, उसे काटना पड़ेगा। पेड़ नहीं कटेगा, इसमें जिन नहीं, देव है। हाँ, अभी बुलाता हूँ। हे आ! मैं हूँ देव, इस पेड़ का रक्षक, जो काटेगा मैं उसे मार डालूंगा। देखा, ये सब नाटक, नाटक कर रहे थे सब। बच्चे को दवाई की जरूरत है, ये झाड़ फूक से वो ठीक नहीं होगा, उसे डॉक्टर को दिखाओ। अबे लतखोर, पेड़ तो नहीं ला सके, मार खा के आ गए, पैसा कहां से आएगा? अरे किसका फोन आ गया? अरे अन्ना सरकार। हाँ सरकार, बोलिए बोलिए। क्या रे भैरो, तेरा दो गज का जवान बहुत बोलना, काम कुछ नहीं। तुम बोला सिंह जी तुम्हारा बात मानना, क्या हुआ, माना? रास्कल, तुम बैठो लकड़ी का गोला में, अब जो करना अन्ना को खुद करना। ये सिंह है, ये दुनिया क्या रे? मनी, पैसा, रोकड़ा, क्या? देख, तेरे को भूख लगी ना, तू राजा बगीचा की मिट्टी को नहीं खा सकता। तेरे को मुंबई जाना, दिल्ली जाना, कोलकाता जाना, तू राजा बगीचा की गाछ पे बैठ के नहीं जा सकता। तेरे को कपड़ा चाहिए ना, तो राजा बगीचा को नहीं पहन सकता। ये राजा बगीचा क्या रे? काली गाछों का जंगल, काली मिट्टी, इसका क्या करना? ये इसको बेच के पैसा कमाना, जिसके पास पैसा हो ना, उसके पैर के नीचे सारी दुनिया होना। देखो अन्ना, तुम्हारा बात ठीक है, फिर भी गांव वालों का बात तो रखना ही चाहिए ना। गांव वाले,
गांव वाले रास्कल। ए सिंह, जब किसी के पास पैसा आने लगता ना, लोगों को जलन होता, जलन बराबर। देखो सिंह, ये गांव वाले नहीं चाहते तुम बड़ा आदमी बनना बोल के। देख, सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भागती, लक्ष्मी सबको नहीं मिलती। आज लक्ष्मी खुद चल के तेरे पास आई है। ब्लैंक चेक। जितना चाहो उतना भर लेना, अन्ना का चेक कभी बाउंस नहीं होता। फिर मिलेंगे। हम लोगों में 100 गांव के युवकों की इच्छा भिन्न भिन्न है। इन भाइयों में से एक भाई ने ये जैसे कविता लिखा है, बहुत सुंदर कविता है, अद्भुत। हमारे ये युवा वर्ष के अभियान को बड़े बुजुर्ग भी समझ गए हैं, जैसे सिंह जी। आखिर अन्ना को राजा बगीचा बेचने से मना कर दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। संतनु भैया, संतनु भैया, क्या हुआ राजा? सारे मेहनत पर पानी फिर गया। सिंह चाचा ने अन्ना के पेपर में साइन कर दिया और राजा बगीचा अन्ना ने खरीद लिया। निराश क्यों होते हो? गुरुदेव का नाम जप रहे हो, महाकाल पर भरोसा रखो। क्या भरोसा रखूं? सारी मेहनत बेकार हो गई। मैं हार गया शांति, हार गया मैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मुसीबत पे दूसरी मुसीबत, उसके ऊपर और मुसीबत, कैसे सुलझाऊं इसको मैं? सिंह जी को इतना समझाया, लेकिन वो पैसों की लालच में। दूसरा वो भैरव सिंह, उसके ऊपर फिर अन्ना और एक मुसीबत। क्या करूं मैं, ये सब मुसीबत को कैसे कैसे सुलझाऊं? थक गया हूं मैं, हार गया, हार गया। मुसीबत कितनी भी आए, नाम मत रुकने का लेना। हृदय में रखना दृढ़ विश्वास, ज्योति पुंज दुनिया को देना। मुसीबत कितनी भी आए, नाम मत रुकने का लेना। हृदय में रखना दृढ़ विश्वास, ज्योति पुंज दुनिया को देना। जाएंगे,
सोने का लेना न मन में होना कभी निराश ज्योति पुंज दुनिया को देना मुसीबत नाम मत मुसीबत कितनी भी आए नाम मत रुकने का लेना हृदय में रखना दृढ़ विश्वास ज्योति पुंज दुनिया को मैं बताता हूं, आइए मेरे साथ। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये पेड़ नहीं आपके दादाजी ही हैं। याद है आपको इस पेड़ की डाली पे आपको दादाजी कितनी बार झुलाते थे बचपन में, याद है आपको? ये पुरखों की निशानी है। अब वो लोग नहीं रहे लेकिन ये उनकी निशानी आपको आज भी छाया दे रही है। लेकिन ये सब आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको तो पैसा चाहिए, बहुत पैसा। तो ठीक है, बेच दो इसको, काट दो। दादी के गहने बेचकर खरीदी गई जमीन पर लगा दो शराब की फैक्ट्री, लगा दो। वो लोग ऊपर से ये सब होते हुए देखेंगे, खुश होंगे, दुआएं देंगे आपको। ऐसा मत कहो शांतनु, मेरे बाप दादा पुरखों की निशानी को चंद पैसे के लिए नहीं बेचूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो दादाजी, मुझे माफ कर दो दादाजी, मुझे माफ कर दो। क्या रे सिंह है, मैं तेरा इंतजार किया, तेरा जवाब आना बोल के तू मेरा चेक भी हजम कर गया रे। ऐसन मेरे को राजा बगीचा मांगता, मैं तेरे को फाइनल रोकड़ा दिया, ब्लैंक चेक। बोल तेरा फाइनल जवाब क्या है? मेरा फाइनल जवाब, मैं जो बोला वही करने का, पैसे का चिंता न करो, जितना मांगता उतना देगा। शांतनु को रास्ता से हटाने का बोले तो खलास। अन्ना, अन्ना का रास्ता रोकने वाला जिंदा नहीं बचने का। इधर आ, कल रात शांतनु अमरपुर जा रहा है अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने, तू तो उसके घर के बगल में रहता है, जैसे रात को घर से निकले फौरन मुझे फोन कर देना। ए सुन, ले तेरे दारू के डबल पैसे। अबे ले 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 मर ले। अब हो गया।
हाँ बोल रहे भैया। हाँ भैरव, शांतनु भैया अभी अभी कार से निकले। शांतनु तो गया, कभी वापस नहीं आएगा। क्या? क्या 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 हेलो, दाल में कुछ काला है। शांतनु भैया, शांतनु भैया रुक जाइए, शांतनु भैया। जालिम सिंह, तूने वहां पर क्या कहा था? जरा फिर से बताओ, फिर से बताओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुमने कहा कि तुमने तीन तीन बार पेड़ गिराया और एक बुढ़ा आदमी आके उस पेड़ को उठा के फेंक देता है और रास्ता साफ कर देता है। तू पागल तो नहीं हो गया? सरकार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और तू क्या बोल रहा था? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जब जब कोई उसके बच्चों का रास्ता रोकेगा, वो उनका बाधा हटाने के लिए खुद वहां पहुंच जाएगा। यही बोला था ना तूने? हाँ मालिक, उसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तू खुद उसको देखा? मालिक कह तो रहा हूँ, खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? कहीं वो मुंबई वाला चाचा तो नहीं? यही है मालिक, यही है। ये फोटो यहां कैसे आया? कौन रख सकता है? गुरुदेव, महाकाल, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर। गायत्री माता की, वेद माता गायत्री की, भारतीय संस्कृति की, शांति कुंज हरिद्वार की, युवा क्रांति अभियान की, युवा क्रांति अभियान की। अरे शांतनु भैया प्रणाम। प्रणाम। अरे शांतनु भैया, मैं हूँ रमैया। ये लेकिन धोती, ये चादर, हाथ में मिठाई का डब्बा, क्या बात है? अब मैं दारू छोड़ दिया ना। दारू छोड़ दिया, क्या बात है। पिछले राखी के त्योहार से दारू छोड़ दिया। इस बार मेरी बहन आई थी। भैया मेरी राखी बंधाई दो। जरूर। नहीं लूंगी, हर साल तो यही देते हो। अरे बहना, हम तो कोई टाटा बिरला अंबानी तो नहीं। चलो
मैं जो मांगूंगी वही दोगे? हाँ जरूर। आज से शराब नहीं पियोगे? अच्छा। हाँ शांतनु भैया, जिस पैसे से हम हर रोज दारू पीते थे, अब उसी पैसे से मिठाई खरीद कर घर जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। अरे शांतनु भैया प्रणाम। देखिए मेरी नई दुकान का उद्घाटन आपको ही करना है। नई दुकान? अरे वो पहले वाला लकड़ी का दुकान नहीं, नर्सरी, नर्सरी की दुकान। देखिए पहले हम पेड़ कटवाते थे, अब पेड़ लगाना शुरू। अच्छा। देखिए आज से इस इलाके में एक भी पेड़ नहीं कटेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शांतनु भैया, शांतनु भैया। अरे राजा क्या हुआ, बहुत खुश हो? देखो मेरा रिजल्ट 92% से पास हो गया हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर। थैंक यू भैया। बढ़िया। हमें अलग अलग गांव में टोलियां बनानी है, जो पढ़े लिखे हो वो 5 गरीब बच्चों को पढ़ाएगा। वृक्ष नहीं कटना चाहिए, नए पौधे लगाने होंगे। बच्चों और स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए साप्ताहिक शिविर लगानी है। सारे नाले और तालाब की सफाई करनी है, युवाओं को जगाना है। शांतनु ने युवा क्रांति वर्ष के संदेश अपने युवा मित्रों के साथ घर घर पहुंचाकर समाज को जागृत कर युग परिवर्तन की मशाल जलाई। एक शांतनु अनेक युवाओं की चेतना जगाकर अपने समाज में इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, तो देश के करोड़ों युवा भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना सकते हैं, विश्व को बदल सकते हैं।